need to accept Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart, of course he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nitya Dham, but playing the role of the Sadhaka in this world. And he told us he completely removed any kind of false ego that I had, and I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciple succession, all of our Guru Parampara, they are of this level. They are the Maha-Maha-Bhagavas, and they are Rupa-Rupa Vaishnavas, Rasik Vaishnavas, down to the present day, coming down in our mind to Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Prabhupada Puri Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayana Swami Maharaj, who also told us that I have gone to the university of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, and that is now why I can preach all over the world and give this mercy in the presence of Chaitanya Mahaprabhu. And then the become servants of his lotus feet and become servant of the servant of the servant of Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj. उसी
आगे बढ़ना है। जिस प्रकार बहुत गुरु बताओ बाबा जी महाराज की जीवन में हम लोग यह देखते हैं कि कैसे वैराग्य को होकर के भजन करते हैं। जैसे उनके प्रणाम होते हैं उनके में आप लोग सब अभी प्रणाम करते हैं नमो गुरु विसराय साक्षात वैराग्य मित्र ठीक प्रारंभ ऐसा मुझे पारा। इस प्रकार नमो गुरु विसराय साक्षात वैराग्य मित्र वैराग्य के मूर्त विघ्न स्वरूप श्री गुरु गुरुदास बाबा जी महाराज थे। किंतु वैराग्य की कई परिभाषा हमारे आचार्य उपाधन को वर्णन किया। एक तो वैराग्य के साधन होता है क्या विषय से राग नहीं जिसको की भाषा है वैराग्य और एक होता है वैराग्य शब्द के विशेष तत्पर जो है विशेष राग की वैराग्य अर्थात भगवान और भगवत भक्त भगवत भजन में जिसके राग वो राग भी कहते हैं रागात्मिक का भक्ति का पुष्ट है जिसमें हमारे सर्वनाथ ईश्वर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के चरण वंदना करते हैं कि कहते हैं विराट समझते हैं कहते हैं वैराग्य जो भक्ति रस भजन नहीं अपायन का प्रभु संत कृपा को देखो पाद गुरु की सनातन रस का प्रभु आश्रय वैराग्य क्या है विशेष राग अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति अनुराग और विशेष करके जिस प्रकार ब्रजवासी अपने इष्ट देव के प्रति इस प्रकार राग उसी प्रकार राग धर्म वैराग्य विशेष राग होता है इसलिए कहते हैं वैराग्य ब्रजवासी जन विराजती विभूति ब्रजवासी जनादि सुख विशेष इस मुक्त राग ब्रजवास में दिखाई हम देखते हैं गुरु गोविंददास बाबा जी महाराज ने ये विशेष राग किस प्रकार है जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भी प्रारंभ भाव से भजन करते उठाए को प्रेम हुई राधे राधे तुम्हारे कहा तुम्हारे डाके राधे राधे गोसाई एक बार डाके तुम्हारे बने एक बार डाके हिंदू बने किस प्रकार वैराग होकर के जाए कैसे तन्मयी होकर के भजन करते थे उनके भजन आदर्श ये हम लोग के उद्देश्य है। गोविंददास बाबा जी महाराज के जीवन से हम लोग भी देखते हैं जैसे आगे हम श्रवण कर रहे थे कोई एक व्यक्ति आकर के बोले महाराज मैं पति धाम में 5 कट्ठा जो है जमीन खरीद लिया। देखो धाम की तत्व होने पर बता रहे चलो गोविंददास बाबा जी महाराज धाम के बारे में कैसे वर्णन कर रहे और 5 कट्ठा जमीन खरीद लिया धाम के लिए भूमि कोई खरीद नहीं सकते क्यों धाम चिन्मय चिन्मय धाम के कोई खरीद सकते हैं जो महाभागवत होते हैं वो उस प्रकार धाम के दर्शन करते हैं कृपा करी माया जा उठाए तो भगवान आगे लगे इसकी सारा चिन्मय हो ये धाम के ऊपर ये माया के जाल पीछा हुआ लगा हुआ है जिसके धाम के ऊपर हम लोग सब चल रहे हैं किंतु यदि हम लोग जो माया के शरणापन्न हो जाए तो देव के दर में शरणापन्न हो जाए तब जो माया वह धाम वो माया के जाल में उठा लेंगे तब हम लोग चिन्मय धाम के दर्शन कर सकते हैं किंतु ये उपाय एक ही है जब तक निश्चित चरण और भगभक्त के चरण में उनके चरण में जब तक अभिषिक्त नहीं हो जाए उनके अनुमत में जब तक हम लोग भजन नहीं करें तब तक धाम हमारे पर कृपा नहीं करेंगे और धाम हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार गुरु गोविंददास बाबा जी महाराज ये समझकर शिक्षा दी थी कि किस प्रकार धाम पे रहना है। दूसरी बात यह बताया कोई एक व्यक्ति आकर के बोले बाबा जी महाराज मुझे कृपा कीजिए कृपा कीजिए बार बार मेरे बाबा जी महाराज ये भी करके कहने लगे मैं कृपा करने के लायक नहीं हूँ ऐसे कर तू व्यक्ति जब बार बार बाबा जी महाराज के कहने लगे बाबा जी महाराज के लो ये डोर को देखो व्यक्ति भागे दो मन पर लो मतलब क्या है सन्यास ग्रहण करो सन्यास के तात्पर्य क्या है सन्यास के तात्पर्य प्रजा प्रभु कहे ये वेश धारण मुकुंद सेवन व्रतम वही तो वृंदावन मुकुंद सेवन के व्रत लेना और वृंदावन में जाकर के वही कामिक रूप में राधा गोविंद जी इनके सन्यासी के कर्तव्य क्या है अपने परिवार में से दूर रहना उनके साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रखना ये सन्यासी के कर्तव्य इसी प्रकार शास्त्र में वर्णन देते हैं जब बाबा जी महाराज का मेरा डोर को मिल लो तब वो कैसे भागे इसी प्रकार बाबा जी महाराज जब अमृत की शिक्षा देते हैं सन्यासी के किस प्रकार कर्तव्य और कैसे उसके आचार आचरण करना है नहीं तो सन्यासी अपने गृह के साथ संजोग रखे माता पिता पुत्र स्त्री पुत्र के साथ लेन देन करते रहे ये सन्यासी का लक्ष्य नहीं है इसमें पत्र में भक्ति शब्द के भक्ति शब्द प्रभुपाद उसमें वर्णन करते हैं एक बार भक्ति शब्द प्रभुपाद गोविंददास बाबा जी महाराज की
और उसी समय सब प्रभुपाद जब प्रण भाषा में और अपने गुरु
इसलिए आज यही लक्षण सुबह पात्र पर हम लोग आए हैं हम लोग कुछ बने आज सब खड़े ऐसे खुले पर खुले हम लोग पर विश्वास स्थापित करें परीक्षा के बाद अर्धरात्रि समय अनुभव और अन्य और बावला वृक्ष तारी साटा दोनों रास्ता में चल और आधी रात समय पे मायापुर उपस्थित हो रूपात कोई समय उच्चता का प्रणाम क्या आपने किनको मार दिया तके की बालक हमारे देश एक समय कोई वहां पर उनके पास में आया अवध महाराज अपनी अनुग्रह पर हम एक कृष्णदासी संग्रह करें मैंने विवाह करे जिनसे बोलते आपकी विवाह कर हमारा सुखे विषय को एक हाँ तो कुशोदास महाराज जी सुने बोले तो बेस्ट फल बेस्ट फल तुम्हें कृष्णदास जी संग्रह करे थे खबरदार को बुद्धि कर रहे हैं तो तुम्हें मरो आगे रोज पूजा करो कृष्णदासी तो खबरदार प्रतिदिन पूजा इत्यादि कर दिए और सब प्रकार सेवा और प्रभुपाद के दो आदेश को प्रभुपाद जी ने उल्लंघन किया नहीं माना कभी के स्थान में मत जाना और प्रभुपाद जी ने वहीं पर सबसे पहले और एक उल्लंघन किया उन्होंने कहा था बौद्ध सोमदास बाबा जी महाराज मैं शरीर छोड़ दूं हमारे शरीर में पैर में रस्सी बांध करके गली गली घुमा करके गंगा में रूपात नहीं इसको भी नहीं माना बहुत सी तो ऐसे मालूम होता है कि गुरु जी का आदेश नहीं पालन किया तो बहुत समय में ऐसा होता है कि गुरु जी के भावों को समझकर उनकी क्रीड़ा कपित सुनी भावना को समझ करके गुरु उनके आदेश उल्लंघन करके मालूम होता है कि उनके विपरीत कर रहा है कि उनके खास में ऐसा नरोत्तम ठाकुर जी अपने गुरु जी भजन कर रहे थे और एक आदमी जिन्होंने पानी पिला दिया जाओ पानी पिलाओ देश भजन को सकाली भजन में तुम्हारी रुचि नहीं है तो उसको नहीं समझ तो उस समय किसी तरह से उनको समान नहीं जाओ इनको अपने देश में आकर के उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का वाणी का इसलिए कभी कभी गुरु के विचारों को समझना चाहिए और समझ करके तत्व का पालन कर महाभारत में भी ऐसा देखा जाए वहां पर भी अर्जुन ने कृष्ण की बात को नहीं माना नहीं कृष्ण ने कार्य मारो इसको और तारीफ और द्रौपदी ने कहा ये देश को छोड़ तो
भीम ने कहा इसको मार और कृष्ण ने कहा अवतारी का बहुत अभिमान है। और उस समय में अर्जुन ने यज्ञ करके मुंडन करके पांच सीता ताड़ी रख करके उसका मार करते। इसलिए कभी कभी गुरुपर्वों का विचार समझना वास्तविक कठिन होता है किंतु सच विश्वास कर सकते। हम लोग कहते हैं ये हमारे गुरु जी हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु शिक्षा शिष्य है कौन जो उनके समस्त आदेशों को ध्यान पूर्वक करके और यदि कोई रूप से ही तर्क वितर्क करने लग गया तो उसी सिद्धि उसकी सिद्धियों में कभी संभव नहीं है। इन सदियों को विचार करते किशोर करो संकीर्ण आज के विश्व मंदिर में हम लोग भी सभी उनके पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी त्रिवेणी आपने तो अपने प्रसार पहले आपके साथ गजावर महाराज के पास हम लोग गए थे तो गजावर महाराज बता रहे थे गुरुपाद के बारे में कि उर्दू भाषा जी बता कली के स्थान कलकत्ता पहुंच जाना पहले बहुत कलकत्ता ने स्थापन किया और उन्होंने बताया था कि मैं अवजन को आपका सेवा नहीं कर सका मैं पैर में रोशी मांगकर घुमा कर गंगा में फेंकना पैर में रोशी मांगकर नवदीन घुमा कर गंगा में फेंक देना उनको आपको बताया था उनका आदेश धनीचारा नहीं अविचारणीय निश्चित रूप में और मतलब अवशेष रूप में विचार करके करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया कलिंग स्थान के जीव को पहले उद्धार करो ये भाव को लेकर के पहले कलकत्ता में स्थापन किया। अवजब का आपको बताया नौ योग जो समाज सौ इसकी अवजब कर जिसे समाज में जो भी विश्वास से अवजब है तो इसलिए उनको आपको लेकर के पहले उसे नहीं माना उसे मैंने बताया Please be ready for the journal. Good afternoon. You are ready? So today is the appearance of Sri Rogachandas Goswami Maharaj. Some pastimes that we heard that Sri Rogachandas Goswami Maharaj was blind, appeared like he was blind. But in the middle of the night he came to Mayapur and Prabhupada Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur asked, "Oh Gurudev, how did you come here?" Because the road was full of thorns, there was no boats, also there were thorn trees everywhere. And Bhakti Maharaj said, "I don't know, some boy took me across." One time also, one person came to see Gaurishadas Babaji Maharaj and said, "Oh, look, I have brought one Krishna Dasi, one maidservant of Krishna." Then Babaji Maharaj said like fire, "Oh, be careful. Don't try and enjoy her or you will be completely destroyed. You should serve her every day. You should cook for her and you should worship her." And that man began to pray and run. We see that the order of the Guru should never be disobeyed. But it appears that Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur then disobeyed two orders of his Guru. Sri Gaurikrishnadas Babaji Maharaj said, "You should never go to Calcutta. And also, after I have left this world, you should tie my feet to the horse and drag me through the streets of Nabari. And the end, you should throw my body in the Ganga." Therefore, it is very difficult to understand the mind of the Guru. For example, Sri Narottam Das Thakur, as he was chanting with his Guru, one man came and asked for a glass of water. And Sri Narottam Das left his Harinam and gave water to that man. His Gurudev, the Lokanath Goswami, became very angry.
said, "Don't you have no taste for remembering the Astakali or Radhakrishna? You should go back home and distribute water there." And in no case would he forgive Narottam Das Thakur. So Narottam Das Thakur, understanding the order of his guru, he preached the Vani of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. Therefore, sometimes we think we understand the order or the instruction of guru, but it's not so easy to understand. Only a sachisha, only a bona fide disciple can understand the innermost intention of the guru. Even we see in Mahabharata, sometimes it is like that. Aswatthama had killed the sons of Draupadi, therefore he was captured. Bhimsen was saying, "You must kill him." Bhimsen was saying to Krishna, "You must kill him." And Krishna said, "Yes, also, an enemy must be killed anyway, there is no doubt." But Yudhisthira, on the other hand, and Draupadi were begging for forgiveness. Therefore Krishna said to Arjuna, "Do as you think, you should kill him and not kill him." You should kill him and not kill him. Therefore, what did Arjuna? He would understand the mind of Arjuna, of Krishna. Therefore, he shaved his head and disrespected him, thereby killing him, by dishonoring him, and not killing him, by leaving him alive. Therefore, we hear that the main duty of the disciple, of the Shikshana Diksha disciple, is to follow the orders of Gurudev without any twisting, without any changing, without any deliberation. If the disciple begins to argue with the guru, "No, it should be like that, it should be like this," then where is the question of him being disciple? Therefore, to really understand this thing is very difficult, and only such as you can understand how Prabhupada really followed the order of Sri Gaurava Sundara Pandit Maharaj. Pujamat Madhavad said, Pujamat Madhavad explaining that Sri Saraswati Thakur, he never went to the place of Kali. He went there and removed Kali and established the worship of Radha Krishna in Calcutta. Therefore, he fulfilled the one of his, the innermost intention of his guru. Oh. After that, Kali made Panda be died. So, what can I do? So, Pranami, me ask you some. Kali, आप लोग गोवर्धन की पंडा को गाइड करने के लिए उनका प्रणामी का रुपया साथ में ले आए इन दी मॉर्निंग ऑल डिवोटी शुड ब्रिंग सम प्रणामी फॉर द पंडा ऑफ यू शुड ब्रिंग एंड विल बी गुड टू बी विद टू हाय कम्युनिटी हरे कृष्णा और लास्ट डे ऑफ This Kartik month will be fit. So in the morning we will finish our golf. And wherever we have arranged for devotees in our guest house or dharmasala, our time limit up to fit, up to lunch. So after lunch we have to vacate all dharmasala and guest house. And 2:30 PM, bus will come to take you Vrindavan. After that, wherever you like, you can go. So whoever wants to go, Vrindavan, they can register their name is Vrindavan, they have to have a bus. Outside there is a big board, they can put their name for the buses. Because according, we have to arrange bus accordingly. Tomorrow morning, or now I have to finish, according to name we will arrange buses. Later on you can arrange bus. And whoever wants to stay there by own, they own, they can stay their own, they can contact with guest house and dharmasala and other place. Attend Anandham Parikrama, Guru Vidyalaya on 6th
November. Hare Krishna. Thank you for the cooperation. Anandham program will be 3 p.m. in Vrindavan. And after Parikrama will be Prasad also there in Anandham. Hare Krishna. We will make the public service. The names of all the devotees who received initiation will be announced just now. On the 27th, Mr. Gill from Mumbai. His name is Jagannath Das. On the 12th of Janeiro, Amal Krishna Das from California. Go on, Ghost. Go on, Krishna Brahmachari.
Viva Rani, Nanda Rani Devi, from Govarda. Sumitra Dasi Govarda, Sene, Uma Shankar Mishra. Uma Shankar Mishra and Kalahati Mishra, is in Ukraine. Same name. Ram Dasi from USA, same name from Sivindesha. Muni Toshdas, Murali Dhanatas. Muni Toshdas, go from Matavasi, Murali Dhanatas. Chanaipa, go from Matavasi, Chanaipa Dhanatas. You will all no doubt remember Gaurasundara Prabhu, our dear godbrother, who some time ago had a tragic accident in Puri which left him paralyzed. I'm happy to announce an amazing story that thanks to Gurudev's inspiration and strength, that Gaurasundara Prabhu, with the help of Shravan and the encouragement of Shravan and his friends, has decided to go out to the world and preach to the world via the internet on how Krishna consciousness has helped him endure and overcome the tragedy that he's undergone. And I also want to lastly announce that Shravan will have information about a website that's being launched, that where you can go and listen to him give classes and tell his story, and also where he will talk about Srila Gurudev and Srila Gurudev's preaching mission, and if you'd like, give some small donation to help him with his medical support. Thank you very much. Thank you, Nat. Thank you, sir. The Bodhisattva experience and you are experts on web designing. Please contact me today or tomorrow. We have some services for you. Those who are expert in web design. Rajanath. One more name is Bhargav. One devotee from Bangalore. His name is Vasanta. Guruji's name is Banbari Brahmachari. Vasanta from Bangalore. Khan, Banbari Brahmachari. Rajanath. Rama, please give me Rama. Rajanath. So the title of this drama is Vaishnava Aparadha, the gravity of Vaishnava Aparadha. One time Srila Rupa Goswami was doing bhajan in the courtyard of Sri Sri Radha Damodara temple. He was meditating on the beautiful pastimes of Sri Sri Radha Krishna. That time one Vaishnava named Khanji Krishnadas, who was lame and limping, came in front of him. Srila Rupa Goswami did not know that he has come in front of him. Being absorbed and remembering Srila Radha Krishna's divine pastime, he laughed loudly. He remembered the pastime at Kusum Sarovar. And then Khanji Krishnadas thought that Rupa Goswami was laughing at him. And thus Rupa Goswami's meditation broke. And he could not remember Srila Radha Krishna's pastime. Later on, when Sanatana Goswami, the Shiksha Guru of Rupa Goswami, came to meet him, Rupa Goswami inquired from Sanatana Goswami the reason why he is not able to engage in Lila Smaran. Sanatana Goswami told him that he may have committed an offense to some devotee of the Lord and he should arrange for a great bhandara or a feast. And if any Vaishnava turns down the invitation, then you should understand that he has offended that particular Vaishnava. So then Rupa Goswami did exactly the same and he found that Khanji Krishnadas was apparently offended. So this is actually the story which Gurudev also said. This shows the severity of Vaishnava Aparadha. Abhi hum jo natak prastut karne ja rahe hain, iska naam hai Vaishnava.
कि रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर के प्रांगण में भजन कर रहे थे तमाम उसके पीछे उस वक्त उनके सामने उस वक्त वो लीला स्मरण में मग्न थे राधा कृष्ण की दिव्य लीला जो कुसुम सरोवर में खड़ी हुई है उसको याद कर रहे थे उस वक्त उनके सामने एक लंगड़े वैष्णव संजीव कृष्णदास आए रूप गोस्वामी की आंखें बंद थी और वो लीला स्मरण में मग्न थे इसलिए लंगड़े वैष्णव को देख न पाए और हंस पड़े तो खंडी कृष्णदास जी ने इसके ऊपर अपराध दिया और उस अपराध के कारण रूप गोस्वामी का भजन में मन लगना बंद हो गया लीला स्मरण उनके सामने नहीं आ रहा था जब उनके शिष्य गुरु जी सनातन गोस्वामी और उनके गुरु बंधु सनातन गोस्वामी उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि सनातन गोस्वामी हमें बताइए कि आप लीला स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि जरूर आपने कोई वैष्णव अपराध किया हो जाने अनजाने में इसलिए आप एक भंडारे का आयोजन करें और इस भंडारे में आने का आमंत्रण जो अस्वीकार कर देगा उस वैष्णव का शायद आपने अपराध किया हो तो अभी देखिए नाटक वैष्णव